एग्जाम्पल नंबर 14 देखो, ये भी कहीं ना कहीं भाई आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देन न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। अगर इससे पहले आपने एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 12 नहीं किया तो एक बार प्रैक्टिस करो। क्यों इतनी जल्दी काम चलाना चाह रहे हो शॉर्टकट में? पहले उसको सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो, देन इसके पास आओ। HR के अंदर ये पूछा जा चुका, मतलब हरियाणा। एग्जाम्पल नंबर 14 में आपसे कह रहा है, अ रेलवे ट्रैक रनिंग नॉर्थ साउथ हैज़ टू पैरेलल रेल्स 1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF बिटवीन द रेल्स। रेल के बीच में कितना इंड्यूस EMF होगा, इट मीन्स लेंथ आपके पास है, ठीक है, ध्यान रखना लेंथ आपके पास है। लेट अस सपोज कि एक रेल ये है और एक रेल ये है, ठीक है भाई, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो आपको 1 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस EMF बिटवीन द रेल्स व्हेन द ट्रेन पासिस एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ट्रेन जो है इसके ऊपर चलेगी, और किस स्पीड से चलेगी ट्रेन? 90 किलोमीटर पर आवर से। तो वेलोसिटी दे रही है आपको 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर से इस ट्रेन इसके ऊपर मूव करके जाएगी। जब ट्रेन मूव करके जाएगी तो इस रेल्स के, इन दोनों रेल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर आप ये कहें कितना EMF जनरेट होगा। अब EMF जनरेशन के लिए आपको ये चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड हो, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पर दिया हुआ है। हमसे कह रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो फ्लक्स कट नहीं करवाता है, आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड का, तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट में जब ट्रेन मूव करेगी तो फ्लक्स कट करेगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ही इसके अंदर इंड्यूस EMF आएगा, तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट निकालना होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए आपको एंगल ऑफ डिप दे रखा है, ये ज़बरदस्त बात हो गई। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, ईजी है ये भी, आप कहेंगे वी वर्टिकल अपॉन वी हॉरिजॉन्टल, ये होता है टेन थीटा की, जहाँ पर थीटा जो है वो एंगल ऑफ डिप है, तो V वर्टिकल हो जाएगा बी एच टेन थीटा, तो V वर्टिकल आपको चाहिए। B हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कितना दे रखा आपको? 0.3 × 10⁻⁴, 10 थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है? 60 डिग्री। 0.3 ऐसे रहने दो, 10⁻⁴ ऐसे रहने दो, 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 0.3 10⁻⁴ ऐसे रहने दो, √3 की वैल्यू होती है 1.732। जब 1.732 की मल्टीप्लाई 0.3 के साथ होगी तो वैल्यू आ जाएगी 0.52 × 10⁻⁴ टेस्ला। आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अब आ गया। अब जब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है तो इसी कंपोनेंट के अंदर ट्रेन मूव करके जा रही होगी, तो जब वर्टिकल कंपोनेंट ट्रेन मूव करके जाए तो फ्लक्स कट करना शुरू कर देगा, चेंजेस आ जाएंगे फ्लक्स में, जिसकी वजह से इंड्यूस EMF आ जाएगा। तो अब आप कहेंगे इंड्यूस्ड EMF, जिसको आप मोशनल EMF भी कहते हो, या तो आप बवाल से BVL, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चाहिए आपको वर्टिकल कंपोनेंट, जिसकी वैल्यू है 0.52 × 10⁻⁴ टेस्ला। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट में ट्रेन है, ये कर रहा है 90 से किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। लेंथ कितनी दे रखी है आपको, जल्दी से बताएंगे? 1 मीटर। दोनों रेल्स के बीच का जो गैप है वो है 1 मीटर, ठीक है। तो 18 × 72 = 90 होते हैं 90, 5 × 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25, तो 0.52 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 25 से 10⁻⁴, ये चल रहा है, ठीक है। ध्यान से आगे देखेंगे, EMF तो चाहिए ही आपको बिल्कुल, 0.52 की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ? 25 के साथ, तो 25 यहाँ पर 10⁻⁴ चल रहा है, तो जब 25 की मल्टीप्लाई आप 52 के साथ करोगे, तो एक ट्रिक है, ट्रिक ये है, एक मिनट पॉइंट हटाओ, नीचे कर लो 100, ठीक है, कर लिया 100, सही है। एक काम और करो आप, चलो मत करो काम यार, 25 से काटो, 25 × 100 4 से काटते हैं, 4 × 4 1 बचा, 1 यहाँ 4 = 12 13, तो ये आ जाएगा 13
13 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, 13 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 बोल्ट, तो ईएमएफ आपसे पूछा गया था, वैल्यू आ जाएगी 13 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 बोल्ट। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। तो देख लेते हैं क्रॉस चेकिंग करके कि वैल्यू यही आ रही है क्या, 13 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, बिल्कुल सही। तो इतने ईजी न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल नंबर 14 भी फिनिश हो चुका है, डाउट नहीं आना चाहिए। डाउट क्यों आएगा यार, जब इतने अच्छे से पढ़ रहे हो, इतने अच्छे समझा रहा हूँ आपको, तो डाउट आएगा क्या? डाउट नहीं आएगा। अगर डाउट आ रहा है तो आप देखें कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ ऐसा पॉइंट छोड़ रहे हो जहाँ आपसे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहा, कहाँ छोड़ रहे हो, कहाँ आपकी प्रिपरेशन में गलती हो रही है, कहाँ आप ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, कहाँ पर फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, कमीनो रील्स वील्स में देख रहे हो, शॉर्ट्स में देख रहे हो? नहीं भाई, जब आप मेहनत से तैयारी कर रहे हो और आपके पापाज ने मोबाइल दिलाया है, तो प्लीज़ ऐसा उनके इन मोबाइल का दुरुपयोग ना करें, अच्छे से उपयोग करें और इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करते चले जाएं। चलिए धन्यवाद जी, अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।